विश्व डेफ शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीतने वाली मल्लिका हांडा ने पंजाब सरकार के खेल मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मल्लिका हांडा ने बताया, पंजाब के खेल मंत्री परगट सिंह ने उन्हें बताया कि राज्य सरकार उन्हें कोई इनाम या सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार के पास मूक बधिर खिलाड़ियों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं है। बता दें, शतरंज में 7 बार नेशनल चैंपियन रही मल्लिका ने कई इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीते हैं। देश का नाम गर्व से ऊंचा करने के बावजूद अब तक पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली है और न ही कोई सरकारी नौकरी का ऑफर। आलम यह है कि मल्लिका हांडा अपने ही राज्य में आज एक नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। ट्विटर पर अपनी वीडियो पोस्ट करके पंजाब सरकार की पोल खोलते हुए शतरंज चैंपियन मल्लिका ने अपने मेडल्स और ट्रॉफी को दिखाकर पंजाब सरकार से सवाल पूछा कि वो 31 दिसंबर 2021 को पंजाब के खेल मंत्री से मिली थी, जिन्होंने उनको कहा कि वो उन्हें जॉब नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास ऐसी कोई नीति है ही नहीं। मल्लिका हांडा ने आगे अपने पोस्ट में लिखा, पूर्व खेल मंत्री ने मुझे नगद पुरस्कार देने को कहा था और इसका आमंत्रण पत्र भी मेरे पास है, लेकिन यह आमंत्रण कोविड के कारण रद्द हो गया था। जब ये बात मैंने मौजूदा खेल मंत्री परगट सिंह को बताई तो उन्होंने कहा कि ये पूर्व मंत्री ने घोषणा की थी, मैंने नहीं, और सरकार ऐसा नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि फिर इसकी घोषणा क्यों की गई थी। कांग्रेस सरकार में मेरे 5 साल बर्बाद हुए, उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है। मल्लिका हांडा 7 बार की नेशनल डेफ चेस चैंपियन रही है। मल्लिका ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में तमाम पदक अपने नाम किए हैं। विश्व मूक बधिर शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड और एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में भी मल्लिका रजत पदक जीत चुकी हैं, लेकिन इतनी उपलब्धियों के बाद भी उन्हें दर्द का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब सरकार के दावों की पोल खोलता ये मल्लिका हांडा का वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल हो रहा है। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारे सहयोगी अंकुर शर्मा ने। देखते रहिए माय भारत न्यूज़।